घुड़सवारी गेम जिहड़ी है उहदे विच नवांशहर दे अविक पाटिया ने गोल्ड मैडल जित्तिया है। तो किस तरह की गेम है, क्या कुछ होंदा, मेरे नाल गलबात करन मौजूद ने, उहनां नाल गलबात करांगे। उम्र भावें उहनां दी घट है पर मैडल जिहड़े ने उह घट ने। तुसीं देख सकते हो कि एक लंबी फहरिस्त इहनां ने गल विच पाई होई है, घर दे विच वी कई मैडल रखे हुए ने। गल करांगे कि किस तरह गेम नूं खेडिया जांदा ते किहड़े किहड़े मैडल जित्ते ने। किहड़ी गेम खेलदे हो, थोड़ा एक्सप्लेन करो कि घुड़सवारी होंदा की कुछ है। जी, मैं शो जंपिंग खेलदा, उहदे विच जंपिंग हुंदी है एंड मैं थानू हर्डल्स क्रॉस करने हुंदे विद इन द टाइम एंड उहदे विच जज टाइम नू नोट करदे एंड दे डिसाइड द विनर्स। घोड़े ते बह के जंप हर्डल ते जंप कराना हुंदा। कि चैंपियनशिप जीत ली तुसी? जी, मैं एक साल की प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बाद मैं जयपुर यूपी गया सी, उदे विच मैं टीम ब्रोंज जित्या। उदे बाद मैं आरबीसी मेरिट गया सी, उदे विच मैं इंडिविजुअल गोल्ड जित्या। आफ्टर दैट मैं दिल्ली च आके एजीएल राइडर टूर्स गया सी, उदे विच मैं डिफरेंट कैटेगरीज टू गोल्ड्स जित्ते एंड उसके उदे बाद मैं नॉर्दर्न इंडिया हॉर्स शो, वन ऑफ द बिगेस्ट हॉर्स शो इन दिल्ली, उसमें उदे विच मैं अपनी कैटेगरी टू डिफरेंट हॉर्सेस ते गया सी एंड मैं टू मेडल्स जीते, फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन मेरी सी। जी, घोड़े ते नाल की मुश्किल आंदियां ने, क्योंकि हर्डल्स भी पार करने होंदे ने, घोड़े नाल कुछ तालमेल भी रखना पैंदा, किस तरीके नाल? जी, पहला बहुत मुश्किल आती सी कि असी गिरदे सी एंड बट नाउ एक साल की प्रोफेसनल ट्रेनिंग के बाद मैनू हॉर्सेस भी प्रोफेसनल मिले, हम मेरी दिक्कत घट होगी गिरने दी एक्सेट्रा। अच्छा, स्कूल जाते हुए गए दोस्त वगैरह पुछते हो किस तरह गेम होंगी, पुछते हैं तुम्हें कि लग, क्योंकि गेम ज़्यादा खेडी नहीं जाती है, पुछते ने? हाँ जी, पुछते ने एंड कॉन्ग्रैट्स, पुछते तो नहीं है फिलहाल, दो तीन फ्रेंड जी पुछते हैं, सारे कॉन्ग्रैट्स सब कुछ कहते हैं। ये फ्यूचर बनाना हूँ? हाँ जी, ये फ्यूचर बनाना, मैं हले और ट्रेनिंग लेनी है एंड मैं FEI दी चिल्ड्रन कैटेगरी खेलनी है एंड FEI रैंकिंग करनी है। आफ्टर दैट मैं इंडिया नू रिप्रेजेंट करना है एशियन एंड ओलंपिक्स गेम्स। काफ़ी जड़े स्टूडेंट्स ने या मुंडे ने वो क्रिकेट या फुटबॉल खेलते हैं, दिल नहीं करता कि वो खेडा या गेम च क्यों आ गया, ये ज़्यादा पसंद है? जी, ये ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये मैं स्टार्टिंग से, जब मैं छोटा सी जद तो मैं स्टार्ट कर दी सी ए गेम, दैट्स व्हाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड फुटबॉल। अपने हॉर्स का भी नाम रखा कुछ? हाँ जी, दो हॉर्सेज हैं मेरे, निकिता एंड टॉप्स का है। उन्होंने नाल तालमेल चंगा है? हाँ जी, तालमेल चंगा है, जिन्हें भी मैं शो च गया उन्होंने मैनू मेडल जिताया। घर का, घरदियों का पूरा सपोर्ट मिलता, आस पड़ोस का, रिश्तेदारों का, घर वाले का? हाँ जी, मैं घर का सारा सारियां का सपोर्ट मिलता, स्पेशली पापा का सपोर्ट मिलता सब तो ज़्यादा। पापा मेरे हर लैसन एंड शोज के मेरे नाल ही रहेंगे एंड मैं प्रमोट कर दिया। तो मैडल मैं दिखाना चाहवागा दर्शकों, मैडल ये सारे ही नैशनल चैंपियनशिप के, जूनियर नैशनल चैंपियनशिप? नहीं जी, ये नॉर्दर्न इंडिया हॉर्स शोज के दो मैडल एंड तीनों नैशनल के मैडल है। EIRS जंपिंग गोल्ड सी, ये मेरा ग्रुप टू एक्यूमुलेटर जंपिंग होंगी है, उदे विच मेरा इंडिविजुअल ब्रोंज सी एंड दिस इज़ माय जंप टीम नॉर्मल जंपिंग दा ए मेडल है। जी, हुण अगे कोई चैंपियनशिप की तैयारी कर रहे हो? जी, हाले तो मैं अपनी स्टडीज़ पर कॉन्सनट्रेट करूँगा क्योंकि मेरी स्टडीज़ बहुत सफ़र हो रही हैं राइडिंग के कारण। टाइम मैनेजमेंट कितना करते हो? राइडिंग दी प्रैक्टिस भी होंदी होनी, कितने घंटे प्रैक्टिस करते हो? जी, मैं लगभग दो से तीन घंटे राइडिंग करदा आफ्टर स्कूल। आफ्टर स्कूल शाम में? हाँ जी। ते हुण एग्जाम दा टाइम भी अगे, फिर किदा मैनेज करोगे फिर? सो मैनू हले 2 or 3 मंथ्स लई राइडिंग छड्डनी पऊंगी बिकॉज ऑफ माई स्टडी एंड मेरे फाइनल एग्जाम आ रहे हैं, मैं उन्होंने उपर ज़्यादा कॉन्सनट्रेट करूँगा। जी, इन्हों के फादर साहब भी मेरे नाल गलबात करेंगे की मुश्किल आई हैं, क्योंकि जो हॉर्स राइडिंग मतलब तुसी कितों सोच आई कि मुंडे मैं ये पाना है? सो यी बहुत छोटी उम्र तो ही इनू पैट्स के नाल, हॉर्सिज के नाल, नॉट ईवन हॉर्सिज, गावों के नाल बड़ा यदा लगाव रहा है। शौकिया तौर तो इन्हें 7-8 साल की एज के अपना हॉर्स राइडिंग शुरू की,
ਬਟ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆਏ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਇਆ, ਈਵਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਗੇਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਇਹ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਐਥਲੀਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਹਾਰਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਪੋਰਟਸ ਹਾਰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਟਰੈਵਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹਾਰਸ ਸ਼ੋਅਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸਟ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਸਟ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਕੋਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੈ ਇਹ। ਇਟਸ ਐਨ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਸਪੋਰਟ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਖਰਚਾ ਕਰ? ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਸਪੋਰਟ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹਜੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਹੈਗੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਗਰਾਊਂਡ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ? ਨਹੀਂ ਭਾਅ ਜੀ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਇਹਦੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੋ ਜੰਪਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਐਨ ਸੀ ਆਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਟੇਟਸ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, 3 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਹੌਟ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੀ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਮੈਡਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਸਕੋਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲਕਸ਼ਯ ਨਾਲ ਨਿਤਿਨ ਦੀਮਾਨ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੈ? ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕੋਰਸ ਦੀ ਗਲਤ ਚੋਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰੋ। ਮੀਆਂ ਰਫੀਕ ਮੁਹੰਮਦ, ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਫ੍ਰੀ ਸਮਾਧਾਨ, 51 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੇਸ ਹਲ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, PR, ਲੋਟਰੀ ਸੱਟਾ ਨੰਬਰ, ਸੰਤਾਨਹੀਨਤਾ ਦੇ ਧੋਖਾ ਖਾਏ ਭੈਣ ਭਰਾ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਤੇ 4 ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਬੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤਕਦੀਰ ਕਦੋਂ ਬਦਲੇਗੀ, ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਭਟਕੋ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਮੀਆਂ ਰਫੀਕ ਮੁਹੰਮਦ।